नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत कुमार और एक बार फिर स्वागत है आपका लेक्चर 9 में। तो देखिए आज हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। आज हम AutoCAD 2D के अंदर अलाइन, लेंथन, ब्रेक, जॉइन एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, ये पांच कमांड कवर करने वाले। तो लेंथन के लिए, लेंथन का बेसिकली यूज क्या होता है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ एन एग्जिस्टिंग लाइन।
करना हो लेंथ को, दोनों ही केसेस में लेंथन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रेक। ब्रेक के अंदर बेसिकली क्या होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग लाइन या कोई भी प्रोफाइल अगर आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ब्रेक कमांड का यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक लाइन है, हमें ब्रेक करना है, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म होता है br एंटर। तो जैसे हमने br एंटर किया उसके बाद हम लाइन को सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे गाइस, ये देखिए जैसे हमने सेलेक्ट किया और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सेकंड ब्रेक। तो जहां पे भी आप सेकंड पॉइंट डिफाइन करेंगे उसके बीच का एरिया हमारे पास ब्रेक हो जाएगा और ये लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अब इसमें जैसे हमने सिलेक्शन दिया था तो सिलेक्शन में इसने ऑटोमेटिकली फर्स्ट पॉइंट कंसिडर किया था और आप नहीं चाहते कि अपने आप से फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करें, तो इसमें आप खुद भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई भी ट्रेजेक्ट्री है या कोई भी पाथ है और यहाँ पे सेकंड पाथ है, तो आप इसके बीच का एरिया ही ब्रेक करना चाहते हैं। तो हम यहाँ से जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, अभी सेकंड पॉइंट पूछ रहा है हमसे बट हमें फर्स्ट डिफाइन करना है दोबारा से, तो फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है। तो इस तरह से आप बिल्कुल एक्सेक्ट अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं और कोई भी प्रोफाइल को आप ब्रेक कर सकते हैं। सो दैट इज ब्रेक कमांड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ज्वाइन। ज्वाइन के लिए आपको जे एंटर करना होता है। ये सभी कमांड गाइज आपको यहाँ मिलेंगे, मॉडिफाई में जाकर के भी आप कमांड्स फाइंड आउट कर सकते हैं या सिंपली आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो ज्वाइन के लिए हम जैसे ही जे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ज्वाइन कमांड एक्टिवेट हो गया। अब जो भी आपने ब्रेक किया है या कोई भी डिफरेंट अपने लाइन से कोई भी प्रोफाइल बनाया है तो लाइन को भी आप पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं और ओपन पाथ को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको, अभी ये सेम एक लाइन है, हमने ज्वाइन किया तो ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। या फिर जो भी प्रोफाइल आप लाइन से बनाते हैं, लाइक जैसे आप देख सकते हैं, अब देखिए ये सभी लाइन हमारे पास अलग अलग हैं, सभी पाथ हमारे पास डिफरेंट हैं। तो जैसे ही आप यहाँ से ज्वाइन करेंगे जे एंटर और इस पूरी प्रोफाइल को आप सेलेक्ट करेंगे एंटर, तो एक कंप्लीट एक प्रोफाइल बन जाएगा इस तरह से पॉलीलाइन। तो ज्वाइन की हेल्प से आप लाइन को भी पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ज्वाइन कमांड यूज करेंगे। और लास्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ऑब्जेक्ट सेलेक्शन। इन ऑटोकैड वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट सेलेक्शन, वन विच इज ड्रैग टू लेफ्ट टू राइट एंड सेकेंड विच इज ड्रैग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो आपको पूरी तरह से प्रोफाइल को एनक्लोज्ड करना होता है। जैसे अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो ये पूरी तरह से प्रोफाइल के अंदर एनक्लोज्ड होना चाहिए, तभी आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पूरी तरह से विंडो के अंदर आना चाहिए लाइक इस तरह से। और अगर आप यहाँ से प्रोफाइल को राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं तो इनफ है अगर आप उसको क्रॉस भी करें तो भी। तो ये दो मेथड हैं, एक है हमारे पास राइट टू लेफ्ट और दूसरा मेथड है राइट लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट बेस्ट रहता है, जिसमें अगर आप सिंपली क्रॉसिंग भी करते हैं तो भी आपकी प्रोफाइल सेलेक्ट हो जाती है। इसके अलावा भी जब आप सिलेक्शन के लिए जाते हैं तो नीचे फैंस और डब्ल्यू पॉलीगन सी पॉलीगन हमारे पास ऑप्शंस हैं। अगर आप फैंस करते हैं तो इस तरह से भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये देखिए ऑब्जेक्ट का एंटर करेंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप यहां से डब्ल्यू पॉलीगन करते हैं तो अगेन ये वही है, इसमें आपको प्रोफाइल को पूरी तरह से एनक्लोज्ड करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगा, बट ये रेंडमली कर सकते हैं रेक्टेंगुलर के अलावा। उसके अलावा सी पॉलीगन में वही है, आपको बस टच करना है इसके अंदर, बट ये रेंडमली काम करता है और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये सिलेक्शन हो जाएगा हमारा। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, जो हमने कवर किया है अलाइन लेंथन ब्रेक जॉइन एंड ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और आने वाले वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लें। मैं डेली नए वीडियोस लाता रहूंगा, जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद।